टोमेटो चीला जवार का बेस हो गया। दिस इज माय फेवरेट थिंग एवर। अब बोलना बंद नहीं करते, पहले अगली चीज आ जाती है। क्या होना चाहिए, दिल ले गई कड़ी गुजरात। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और इस वीडियो में आपको मुंबई की गर्दी का जुहू बीच दिखा रहे हैं। और अभी हम लोग हैं महाराजा भोग में, ऐसी बड़ी ग्रैंड थाली खाने वाले हैं, फैमिली फ्रेंडली। मतलब फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, मिलके खाओ, मजा आएगा। दिखाते हैं क्या चीज है। गौदान है सर ये। अच्छा। तो हम लोग एक थाली के पीछे एक कॉइन गौदान करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर जी, कहाँ पे हैं हम लोग अभी? हम महाराजा भोग में हैं, जू में, और फैमिली थाली, महाराजा भोग जू चौपाटी फैमिली थाली। हाँ, मैंने पहले बोल दिया, सारे अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अकेले नहीं खाने वाले, सबको लेके आओ। ठीक है, वी कैन स्टार्ट सर। हाँ, क्या क्या आते रहेगा आप मेरे को बताते रहना। फर्स्ट आपको हैंड वॉश आएगा, फिंगर वॉश आएगा। ठीक है, जो हैंड वॉश शेयर हैंड करना। हाँ, मैंने सैनिटाइज करना भूल गया था। ये रोज वाटर रहता है, इसके अंदर रोज फ्लेवर रहता है, ऐसे गर्म पानी रहता है। हाँ, गर्म पानी के अंदर फ्लावर रहेगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पे चीजें रहते हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 25 टू 30 आइटम रहते हैं। 25 टू 30 डिफरेंट मेनू रहता है। सारी खाने वाले आज अपन? यस सर, 30 डे 30 डिफरेंट मेनू रहता है। 30 दिन 30 अलग अलग चीज रहती है। भाई, आर यू रेडी टू ट्राई 30 डिफरेंट थिंग्स? 30 डिफरेंट थिंग्स ऐसा बोला है। एवरी डे वी आर चेंजिंग द मेनू, मतलब महीने के हिसाब से। केसर, चंदन पानी, केसर, चंदन। केसर और चंदन का सिरप है। ईश्वर जी, आपको थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, समझेंगे क्या क्या चीज है। आराम से, आराम से, दूर से बताने। बथुआ का रायता है, बथुआ का रायता, बथुआ रायता, एक एक चम्मच ही डालिएगा सब कुछ। ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी आ गया, स्वीट चटनी, स्वीट चटनी, फरसान भी ले आओ, वरना चटनी ऐसी खा जाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये सारी तैयारी हो गई है। एक दो तीन चार, चार चीज पड़ गया, पांच चीज पड़ गया। ये थाली वाली जगह मुझे ना बहुत पसंद है, मतलब ऐसे इतना सारा खाना हो जाता है ना। अब अच्छा, अब बोलना बंद नहीं करते, पहले अगली चीज आ जाती है। पनीर सैंडविच टिक्की, पनीर सैंडविच टिक्की है, पनीर सैंडविच टिक्की है भाई। पुष्टिकरण कर लेता हूँ, अंदर पनीर ही है। ठीक है, ये जवारी टोमेटो चिल्ला है। अच्छा, टोमेटो चिल्ला जवार का बेस हो गया। यस यस, नाइस। इसके साथ कोकोनट चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ। हां, एक या पनीर वाला और डाल देना, एक टिक्की, ताकि किसी को पता ना चले मेरी प्लेट साफ रहे ना, और मैं इसको खा जाऊं। तो बहुत टाइम लगेगा ना आने में। ओ, 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 तो मैंगो का चटनी है। मिर्ची ठेचा है, मिर्ची ठेचा लगना चाहिए, कोई स्पाइसी बंदा खा रहा है। और अचार, सब सब पूछो मत, डाल दो। सिंधी दाल पकवान, यस सर। तो ये आपका कुजीन क्या रहता है, गुजराती रहता है, कैसे रहता है? कॉम्बिनेशन है, राजस्थानी गुजराती। okay. प्रीमियम बेस्ड थाली है, तो उसमें वी आर नॉर्थ इंडियन पनीर वेजिटेबल वगैरह भी हम लोग देते हैं। मल्टी कुजीन रहता है, मल्टी इंडियन कुजीन। यस सर। अच्छा, मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में आज क्या क्या है? टिंडोला अचारी है सर। टिंडोला अचारी है, टिंडोला अचारी। टिंडोला कौन सी सब्जी होती है? कुंदरू बोलते हैं ना, टिंडोला जो छोटे साइज का होता है। हमें आईडिया, मेथी मटर मलाई है। मेथी मटर मलाई, मेथी मटर मलाई। माय टेरिटरी, दिस इज भाई की टेरिटरी। आलू लहसुनिया है, ये मेरी टेरिटरी। आलू लहसुनिया के साथ पूड़ी होगी? पूड़ी नहीं है। अच्छा, ना मक्के की रोटी है, मक्के की रोटी है, डालिए चावली मसाला, और पूरी है चावली। लोबिया हो गया? हाँ, लोबिया, लोबिया बोलते अपन। ये दाल कड़ी का वेराइटी है, गुजराती दाल और राजस्थानी येलो दाल और कड़ी रहता है। गुजराती दाल आ गई, ये तो राजस्थानी दाल है, राजस्थानी दाल आ गई, ये राजस्थानी कड़ी हो गया, राजस्थानी कड़ी हो गई, ये थोड़ी स्पाइसी रहेगी। यस, ये मीठा है, गुजराती दाल, गुजराती गुजराती दाल है, गुजराती कड़ी का है। हाँ, गुजराती कड़ी और डाल दो, बिल्कुल मत शर्माओ, और डाल दो, ओवरफ्लो हो जाए इतनी डाल दो। दिस इज माय फेवरेट थिंग एवर, गुजराती कड़ी। क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है, आई जस्ट लव गुजराती कड़ी। ये मिठाई है। हाँ जी, अंगूरी बासुंदी है, अंगूरी बासुंदी, गाजर का हलवा, वो छोटे छोटे छेना की बासुंदी है, रसगुल्ले होते हैं ना छोटे। हाँ, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा है भाई। वाह, अब ब्रेड आएंगी ना? यस, रोटी आएंगी। एक फुलका रख दीजिए, ठीक है। पूरी है तो सही, पूरी है ना, आलू पूरी, आलू पूरी है बस, बहुत बढ़िया। रोटी मक्के की रोटी, मक्के की रोटी किसके साथ है? गुड़ मक्खन के साथ, गुड़ मक्खन के साथ। अच्छा भैया, ऐसा करिए, बड़े ग्लास में, दोनों दोनों ग्लास। हाँ, बड़ा ग्लास है क्या अपने पास? हाँ, इसमें छाछ डालिएगा, छाछ और गुजराती कड़ी में कोई कंजूसी नहीं।
ये थालियों का कॉन्सेप्ट पता क्या रहता है, सबकी पसंद का कुछ ना कुछ होता है, आप अपनी पसंद का ढूंढो और उसको खाते जाओ अनलिमिटेड है ना? यस सर, अनलिमिटेड पूरा है। क्या प्राइसिंग क्या रहती है इसकी? वीकडेज का है 649 हाँ प्लस जीएसटी रहता है, और वीकेंड का 699 प्लस जीएसटी। तो ये लंच और डिनर का सेम रहता है? लंच एंड डिनर सेम मेनू रहेगा, नेक्स्ट डे वी आर चेंज। वो राइस भी वो देख रहे हो, इसमें राइस है और इसमें कैप्सिकम है, तभी पोहा बोल रहे हो, कैप्सिकम डाला हुआ है, पनीर और घी खिचड़ी में थोड़ा सा, बस डन। अब मेरी पूरी प्लेट लग चुकी है, जो सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें डल चुकी हैं, अब आराम से खाएंगे। अब हम लोगों ने ईश्वर जी ये पी लिया, बहुत अच्छा था, केसर और चंदन का सिरप। हाँ, मतलब केसर और चंदन इसमें आया मेरे को, वो खुशबू भी आया और वो अच्छा फ्लेवर आया। आप फरसान आप दोनों चटनी के साथ खा सकते हैं, फरसान चटनी के साथ। ये वाला आपने बोला कोकोनट चटनी, ये नारियल के साथ में, ये जवारी टमाटो चिल्ला है, जवारी टोमेटो चिल्ला, जवारी जवार का है ना, जवार का है और अंदर पनीर भी डाला है, तो पूरा नाइस। ये घर में बनता ना, हमारे घर में जवार का बनता है, राइट राइट, जवार की रोटी भी बनती है ना ऐसे, करेक्ट। ये फिर नींबू इसमें डालना है, दाल पकवान में, और मीठा चटनी। मैंने पहली बार सबसे बढ़िया दाल पकवान बिना उल्लासनगर में ही खाया था, मज़ा आ गया था। दाल पकवान ऐसी चीज़ है ना, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, पर एक बार खा लो ना तो मज़ा आ जाता है। टेस्ट रुका नहीं जा रहा, पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये ना बड़ा गड़बड़ होता है, खाने का मन कर ही जा रहा है पर चीज़ें नहीं जा रही है। बढ़िया, चल चीयर्स। चल चीयर्स, मीम बन जाता अभी। नाइस, बढ़िया ईश्वर जी, मज़ा आया। दाल कड़ी जो है अपने इसके अपना फ्लेवर के हिसाब से आप जैसे हो, आप जैसे शुरू हो जाओ आप आराम से एंजॉय कीजिए। हां, मेरी गुजरात, ये रही ये कड़ी है, गुजराती कड़ी। हां गुजराती कड़ी को बहुत पसंद है। मेरा आया, आई लव गुजराती कड़ी, लव गुजराती कड़ी। मैंने बहुत साल पहले गुजराती कड़ी जब पहली बार खाई थी ना, तब मेरे को लगा कि पंजाबी कड़ी जो मम्मी घर में बनाती है ना, वो तो बेस्ट है, बिकॉज मॉम्स आर बेस्ट, बट उसके बाद कोई कड़ी है तो गुजरात की। गाना सुना आपने वो, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, ऐसा होना चाहिए, दिल ले गई कड़ी गुजरात, दिल ले गई कड़ी, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, वेरी सिमिलर। ठीक है, अब हम अपने हिसाब से इसको अब इसको ना आई थिंक खाते हैं, ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया, मेरे को ये दाल पकवान का खाना हाँ बहुत प्यारा लगा, मसालेदार नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब कम मसाले वाला है। ये जो थाली है ना, इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है, अलग अलग इंडिया के कल्चर्स का खाना इन लोगों ने डाल रखा है अपनी थाली में, ये हर तरीके की कुजीन है। यार ये थाली तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, अभी ऐसा करते हैं किचन में चलते हैं और इनके महाराज जी से मिलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये थाली डेली बेसिस पे ऑपरेशंस इसके मैनेज होते हैं, और फिर आके वापस थाली की टेस्टिंग रिज्यूम करते हैं। तो कितना मतलब आइटम रहता है वैसे, जो जैसे चेंज होते रहते हैं दिन बाय दिन, जैसे कह रहे हैं कि डिशेज चेंज होते रहती है, जैसे आज आलू टमाटर है, कल धनिया आलू हो गया, ऐसे मेथी आलू, जैसे वो चीज़ें मेन्यू चेंज होते रहते हैं ना। आज ये आलू लहसुनिया है, हाँ मेथी मटर मलाई पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ही करते हैं? हाँ जी। कैसे डिसाइड करते हो आज ये खिलाना है आज वो खिलाना है? हमारा मेन्यू के हिसाब से सर। अच्छा, वो आपका वो सेट है, कॉर्पोरेट मेन्यू है कि भाई अगर कोई बंदा दो तीन आ रहा है तो वो उसको कुछ अलग मिले। शेफ, ये एक चीज़ मेरे को हमेशा से समझना था, जैसे अनलिमिटेड खाना है यहाँ पे, तो कैसे हिसाब रखते हो कि भाई तीन घंटे में कितने जन कितना खाना खा लेंगे? सर कस्टमर के ऊपर है, जितना खाता है उस हिसाब से देना पड़ता है, कोई पूरी खाता है, कोई पूरी भी नहीं खाता है, कोई पराठा डबल लेता है, तो वो आप करते रहते हैं उसको आइडिया होता रहता है। एकदम से कोई बंदा आ गया कि भैया दो रोटियों के पूरे भर दो, तो फिर एकदम रश हो गया किचन में। एक रोटी देते हैं गरम गरम, रोटी एक रोटी देते हैं ताकि उनको चालू रहे। आपको नॉर्थ इंडिया के रस में से आलू पूरी पसंद है, आपको गुजरात की कढ़ी पसंद है, आपको पनीर पसंद है, हिंदी दाल पकवान पसंद है, पनीर पसंद है, सब कुछ ना कुछ है भाई। मीठा टेस्ट करते हैं और उसके बाद ना वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि फिर हमारा कार्यक्रम चलेगा खाने का। ठीक है, क्या मीठा में खाएंगे? आप हलवा खाओ, मैं ये रसबरी खाता हूँ। तो भाभी रसबरी बोलती है ना इसको? हाँ, भाई भाभी रसबरी बोलती है, आप कुछ और कैसे बोल सकते हो इसको? अच्छा कैसे? अच्छा भाई ठीक है, है ना। क्या फ्लेवर आ रहा है बसुंदी का, वेरी नाइस, हलवा भी सही है। अब मेरे को बस थोड़ी सी करेज गैदर करनी पड़ेगी, स्लीव्स तो मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर रखी है खाने के,
क्योंकि मैंने एक चीज़ का भी रिफिल नहीं लिया और मेरे को अभी खाने में इसको लगेगी मशक्कत 25 चीज़ें कम नहीं होती। वीडियो को एंड कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना आता रहता है भेजी भाजी मुंबई की गर्दी में, कॉमेंट्स करना बढ़िया बढ़िया और सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो का ये थाली का मज़ा ही उसके साथ है।